रही हूँ ऑन। हेलो हाय जय जगन्नाथ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। तो आज मैं एक्चुअली मेरे मैंने पूरा तुझे बालकनी बालकनी में का हाल जितना दिखा पेड़ था दिया। ना, मतलब बहुत सारे ऐसे आउटडोर प्लांट था जो कि बिना धूप के इसका वजह से फूल ठंड में सुनो, पूरा मैंने खराब हो कहा गया था। ये देखिए नीचे डाली हूँ मैं। सबको अच्छे से क्लीन करके गमला हाँ वगैरह में रख लूँगी ताकि कुछ दिन के बाद फिर हम लोग नया वाला जो भी पेड़ लगाना है लगाएंगे। तो उसके साथ साथ बालकनी में भी थोड़ा सा हार्पिक वगैरह डाल के साफ कर लूँगी। ये देखिए मेरा साफ सफाई शुरू हो गया है। अभी तो सुबह को 9:30 से एवब हो गया। आर्या का क्लास चल रहा है, मेरा भी साफ सफाई चल गया है। साफ करके फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together. We'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा एंड इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। एक्चुअली घर के साफ सफाई में बहुत दिखाती हूँ आपको, तो मैं अपने साथ मेरा जो भी बीता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, ये है मेरा घर का सेंटर, यानी मेरे उस तरफ जितना है इस तरफ को भी उतना है। मेरी सेंटर में मेरी ये स्पेस यानी यही जगह पड़ता है। तो आज मैं ये जगह क्लीन कर रही थी तो सोची कि आप लोगों के साथ एक बहुत ही बड़ा बोनस टिप्स आप लोगों को मैं देने जा रही हूँ। वास्तु के हिसाब से बोला जाता है घर का जो सेंटर होता है ना, उसको हमेशा क्लीन एंड साफ सुथरा रखना चाहिए। और वो जगह पर हमारा कोई ऑब्स्ट्रैकल यानी बहुत भारी सा चीज़ या कुछ ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। देखिए, ये चीज़ मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, ये चीज़ मैं खुद ही मैं खुद क्या बोलूँ, मैं उसको महसूस की हूँ ये चीज़ को। ये जगह आप एक बार करके देखिए, आपका घर का जो सेंटर है, सबके घर में ना कुछ कुछ मतलब ऐसे झगड़ा कली ये सब होता रहता है। तो आप घर का सेंटर के जगह में देखिए खाली करके रखिए, और कुछ दिन करने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि ये आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं। अभी ये सब चीज़ें तो चलता रहता है क्योंकि घर का सेंटर जो होता है उसको बोलते हैं ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान नहीं, कोई भी अगर चीज़ हमारा जो ऊर्जा क्रिएट होता है ना, हमारा बीच सेंटर से ही क्रिएट होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि घर के सेंटर को हमेशा क्लीन रखो, साफ सुथरा रखो। एंड आप अगर हो सकता है जो पोछे या लगाने वाले जो पानी है उसमें जरूर सेंधा नमक आप ऐड करिए। उसमें जो नेगेटिव एनर्जी होता है ना, थोड़ा सा घर में नहीं आता है। अगर आप साफ सफाई का वीडियो, मुझे ये चीज़ का थोड़ा सा नॉलेज है तो मैंने सोची कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो मैं घर में क्या आता है ना, जैसे सैटरडे हो गया यानी थर्सडे हो गया, तो उसमें क्या ना, घर में पोछा लगाने के वाला जो बाल्टी है उस पानी में आप सेंधा नमक एक चम्मच या दो तीन चुटकी भी डालिए। तो उसमें साइंटिफिक रीज़न भी एक होता है कि उसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि घर का, वो तो सारे घर में आप पोछा लगाओगे, घर के सेंटर में हमारा जो एनर्जी घूमती है ना, अगर हम कोई चीज़ भारी चीज़ वहाँ पर रखते हैं ना, तो वो क्या होता है ना, अगर नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होता है ना, वो अब वहाँ से मतलब वो बंद के रह जाता है। तो इसीलिए हमेशा घर के सेंटर को आप क्लीन रखिए। एंड अगर जो लोग महसूस कर रहे हैं कि उनके घर में थोड़ा सा कली झगड़ा ज़्यादा हो रहा है ना, वो आप चीज़ ना करके देखिए। अगर आपका काम नहीं आए ना तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ दिन आप एहसास करिए। अगर आपका वो काम आए ना, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं ऐसे छोटा मोटा मुझे जितना आता है तो मैं आप लोगों को ऐसे मेरे वीडियो के अंदर एक एक बोनस टिप्स वास्तु के हिसाब से देती रहूँगी। अगर आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ऐसा वीडियो, ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर देखना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताने से मैं ज़रूर आप लोगों को कुछ ना कुछ टिप्स दूंगी। तो चलिए देखिए मैं क्या क्या कर रही हूँ। फिर क्लीन का काम तो बहुत है, अभी करना ही पड़ेगा। ये सेंटर में जो आपका दीवार में भी होता है ना, उस पर आप हो सकता है तो हल्का रंग
दीजिए, मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर, बहुत ज़्यादा डार्क कलर ये सब मत दीजिए, बहुत ही हल्का कलर यूज़ करिए। और वो दीवार जितना हो सकता है साफ़ सुथरा रखिए, एंड पेंटिंग बहुत हेवी सा चीज़ मत लगाइए, एंड ज़रूरी ये अपनाइए। और आज कुछ ज़्यादा ही ज्ञान हो गया है, तो देखिए मेरा साफ सफाई हो गया, पोछा लग गया है, एंड जरूर पोछा वाला पानी में आप सेंधा नमक 2 से 4 मतलब पिंच डाली है, जिनके घर में बच्चे भी है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिसइनफेक्ट का काम करता है, एंड ये एक वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा चीज़ होता है। तो देखिए मेरा साफ़ सफाई हो गया, बट ये दूसरा काम है, आज मेरे को इतने सारे कपड़े ऐसे भी होता है जो कि हम लोग मैं एक्चुअली प्रेस करने के लिए बाहर देती हूँ। देखिए पोछा लगने के बाद सूख गया है घर, मैंने जहाँ पे कारपेट वगैरह बिछाना था, रनर वगैरह मैंने बिछा दूंगी, एंड बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं कि जो पे मैं हाथ में ही प्रेस करती हूँ, तो सबको प्रेस कर लूँगी। एक्चुअली क्या होता है ना, बाहर में स्पेशली कपड़ा देती हूँ प्रेस करने के, लेकिन बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं कि मैं घर में ही प्रेस कर लेती हूँ, तो उसको मैं अलग ऐसे रखती हूँ, जब मुझे फ्री होता है मैं कर लेती हूँ। तो आज मैं सोची कि जल्दी काम ख़त्म हो गया था तो मैं थोड़ा कर लेती हूँ, और उधर मैं आर्या के साथ बात कर रही थी, तो ये काम करते करते मेरा हो जाएगा, तो इतने बड़ा लेंदी हो जाएगा वीडियो, मैं दिखाऊंगी नहीं, लेकिन हाँ मतलब कपड़ा जितना हो सकता है मैं आज कर ही लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से मतलब ये रखा हुआ है। हाँ, तो मुझे लगा कि करूँगी करूँगी, क्योंकि मेरी डॉटर की एग्ज़ाम भी चल रहा है, मतलब अभी एग्ज़ाम के टाइम आ गया है, चलना अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वही ये टाइम नहीं मिल रहा था, तो अभी टाइम मिला तो मैं कर लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। एक्चुअली मेरा तबीयत भी थोड़ा मतलब इतना सही नहीं है, अभी कोल्ड फीवर है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताई थी, तो मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार मिल रहा है, थैंक यू सो मच गाइस, मेरे वीडियो को आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं, सच में दिल से मैं आपको जितना थैंक यू बोलूँ तो उतना कम पड़ेगा। तो आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, मैं ऐसे इंटरेस्ट लेके आप लोगों के साथ नया नया वीडियो शेयर करूँगी। तो आज थोड़ा सा मैं वीडियो में आप लोगों के अलग सा कुछ शेयर की हूँ, हाँ आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, अगर पसंद आए ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, मैं ज़रूर आप लोगों के सामने ऐसे छोटा मोटा बोनस टिप्स लेके आऊँगी। तो चलिए हम मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज बस इतना ही है, एंड हाँ मैं आप लोगों को बालकनी दिखाना भूल गई थी, साफ तो की फिर भूल गई थी, ये देखिए मेरा बालकनी बिल्कुल चकाचक हो गया, एक्चुअली गंदा ज्यादा नहीं हुआ था, मिट्टी वगैरह हुआ था, और गमले से मैंने पेड़ वगैरह हटा दीजिए जो पेड़ सूख गया है।